केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि कोलकाता में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर चर्चा जारी है। हालांकि यह किस लोकेशन पे होगा यह राज्य सरकार को तय करना है। सिन्हा कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के AGM में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ईटानगर में 1200 करोड़ रुपए के निवेश से एयरपोर्ट के लिए जल्द ही भूमि पूजन किए जाने की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष राजेंद्र खंडेलवाल ने वर्तमान समय में औद्योगिक परिस्थितियों और अन्य मुद्दे पर विचार व्यक्त किया। मौके पर चैम्बर के मनोनीत अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष माधव सुरेखा, सीताराम शर्मा, अलका बांगड़, विनीत नहाटा, दिनेश जैन व अन्य मौजूद थे। आइए जानते हैं कि मौके पर क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री ने। वी आर वर्किंग विद द स्टेट गवर्नमेंट टू सी व्हाट वी कैन डू टू एक्सपैंड एयरपोर्ट कैपेसिटी इन कैलकटा एंड दैट इंक्लूड्स बोथ एक्सपैंडिंग द कैपेसिटी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट एज वेल एज कंसिडरिंग एंड इवेलुएटिंग सजेशंस फॉर अ सेकेंड एयरपोर्ट एज वेल। सो दोज डिस्कशंस आर अंडर वे विद द स्टेट गवर्नमेंट। दैट इज द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक सर्विसेज ऑफ दिस सॉर्ट इज अ डिसीजन दैट इज मेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट। So the state government has to take into account what is the best location for an airport, taking in connectivity into account, as well as where it's possible actually to get a contiguous area of that size and where the land acquisition can be done. So that is really a decision for the state government. The state government actually acquires the land. The Pakyong to chalu hoi chuka hai, wo to aahi raha hai Kolkata. Asansol chalu ho chuka hai. आसनसोल चालू हो चुका है। हाँ बिल्कुल, आसनसोल में फ्लाइट आती है अंडर। हाँ वही वाली। अच्छा वो नहीं, वो तो अभी उड़ान के तहत वो फ्लाइट आई है। और जो जो कूच बिहार वगैरह थे वो जहाँ तक मुझे जानकारी है वो यह है कि वो एयर डेकन करने वाले थे। एयर डेकन को कुछ समस्याएं हुई हैं और जैसे जमशेदपुर वाली फ़्लाइट, जिसका बारे में मुझे अच्छी तरह से मालूम है, जो जमशेदपुर कलकत्ते वाली फ़्लाइट आने वाली थी वो एयर डेकन अभी तक चालू नहीं कर पाया है। उन लोगों को कुछ कुछ वित्तीय संकटों के कारण कुछ कुछ कैप्टन्स उनको नहीं मिले, इस कारण वो फ़्लाइट्स उन लोगों ने अभी तक चालू नहीं किए हैं। उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वो फ़्लाइट्स हम लोग चालू कर सकते हैं।